प्रयागराज के सिविल लाइन का यह मेन, जिसे कहते हैं सबसे वीआईपी मोहल्लों में, अंसल अपार्टमेंट है। यहाँ पर राम जानकी मंदिर के सामने स्थित है और यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी बैठे हैं। फिलहाल माहौल चुनाव का है तो चुनाव के परिपेक्ष में ही बैठे होंगे, लेकिन यहाँ पर ऐसे बुजुर्ग हैं जिनसे बातचीत करना, उनके बारे में, उनके कुछ संस्मरण रहे होंगे चुनाव के, उस बारे में जानना और उनकी कुछ चुनावी बातें या उनकी कुछ समस्याएं या सुधार या उनका अनुभव इस संबंध में लेकर अगर हम सबसे पहले इनसे बात करना चाहेंगे तो बाबूजी, जैसे हम आपसे ही पहला सबसे सवाल करते हैं कि पहले जो चुनाव होते थे और आज जो हो रहा है, इसमें आपको क्या सबसे ज्यादा अंतर लग रहा है? बस बस आप पकड़े ना ऐसे बोल। चुनाव के बारे में अब्राहम लिंकन ने कहा था, वोट देने का उसी को अधिकार देना चाहिए जिसका इस राष्ट्र में, समाज में, देश में कुछ स्टेक है। जो जिसका कोई स्टेक नहीं, वो मंथरा की बोली बोलेंगे, कोई हो राजा हमें कहानी। वो केजरीवाल की मुफ्त बिजली पानी पर बहक जाएंगे, पंजाब का 92% वोट मिल जाएगा उनको। वोट उसी को देने का अधिकार हो जैसे यहाँ का सैनिक, यहाँ के सरकारी कर्मचारी, यहाँ का जिसका एक एकड़ की जमीन है ऐसा किसान, या जिन्होंने ग्रेजुएट हैं। फिलहाल ये आपका निजी विचार हो सकता है, लेकिन लोकतंत्र में ये कहा गया कि वोट देने का अधिकार सभी को है, जो भी मतलब वोट के एज पूरा करते हैं, जो हमारे वोटर हैं, बनते हैं 18 साल प्लस करने वाले, पहले वोटर होते हैं वहाँ से लेकर जीवन पर्यंत तक वोट देने का अधिकार होता है। तो ये अधिकार जो है, पहले जैसे आप इस्तेमाल करते थे आज के तरीके में, उस समय बैलेट पेपर होते थे, पर्चे होते थे, छपे हुए होते थे, प्रत्याशी घर पे जाते थे, आपको पहचान करवाते थे कि ये मेरा चुनाव चिन्ह है, आज ईवीएम है, नए तरीके है, तो क्या अंतर आपको लगता है तब में? अब मैं यही है कि मैं अनिल भार्गव बोल रहा हूँ, अंसल में ही रहता हूँ और यहीं पे अपना समय निकालता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब जो हो रहा है चुनाव, अब में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। अब ये है कि आपने 85+ को चाहे घर से ही हम वोट करा देंगे, ये बहुत अच्छी सुविधा है। पर ये कि अब 80+ उसी घर में कोई है, मतलब भाई वाइफ की एज 85 है, 80 है, उसको भी वहीं पे परमिशन मिलनी चाहिए, वो भी दे दें एक साथ। हाँ, सीनियर सिटीजन को सरकार पूरी तरह से प्राथमिकता दे रही है। हाँ, जैसे ये जो पहल चल रही है इसको लेकर क्या मोदी जी को कुछ कहना चाहेंगे? मोदी जी तो रिफॉर्म कर ही रहे हैं, ये तो जितना भी इलेक्शन हो रहा है आज मोदी जी के नाम पे या योगी के कर्मों से मिल रहा है, क्योंकि देश को जो आगे पिछले 10 साल में ये ले गए हैं वो पिछले 70 साल में कोई नहीं लेके पाया, तो वो बात अलग है। पर जो कैंडिडेट हम लोग सेलेक्ट करते हैं, जो करते हैं, मोदी जी को उन पे भी ध्यान देना चाहिए कि कर्मठ हों, टाइम के पंक्चुअल हों, पब्लिक की सेवा करने वाले। तो ऐसे बात करें तो मोदी जी ने लगभग कहना चाहिए कि 2 सैकड़ा से ज्यादा अपने सांसदों के टिकट काट दिए। हाँ, तो ये अच्छा किया, अच्छा किया, प्रत्याशी लाए क्या बिल्कुल सांसदों पे उनको भरोसा नहीं था? नहीं, भरोसे की बात नहीं, सीधी सी बात है, जो काम करे उसको रखो, जो काम नहीं कर रहा नए लोगों को चांस दो, नए पौध को चांस दो। ये चीज मोदी जी को सर्विसेज में भी करना चाहिए, अगर सर्विसेज में जो लोग काम नहीं कर रहे अपनी जगह, हटाओ उनको, निकालो उनको, उनकी जगह नए लोगों को नौकरियां दो, मेहनत से काम करे, आगे बढ़े। अगर नौकरी की बात करें तो बहुत बड़ा कुनबा है युवाओं को, कहता है कि रोजगार ही नहीं। हाँ, तो इसी वजह से कि आपने जिनको दे रखा वो काम कर नहीं रहे हैं, तो क्यों रखा हुआ है? ऐसा कानून होना चाहिए, 9 वर्ग आप जाइए, ठीक करो इनको बाहर, या तो काम करो, नहीं काम कर सकते हो तो नई पौध को चांस दो। चुनाव के पहले से ही मोदी जी कहने लगे 400 पार, बिल्कुल होना चाहिए 400 नहीं, हम तो कहें 500 मिलना चाहिए, पर अच्छे काम करें, सही चीज करें। मोदी जी एक चीज नहीं समझ रहे हैं, उनको समझना चाहिए, सबसे ज्यादा कंट्री में टैक्स देने वाली कौन सी कौम है? आपकी मिडिल क्लास। और सबसे ज्यादा सफर करने वाली आज कौन है? वो मिडिल क्लास। उसका ध्यान कब करेंगे? फ्री एजुकेशन करो, फ्री मेडिकल करो,
आपने तो लोअर क्लास के लिए तो फ्री मेडिकल कर दिया, फ्री एजुकेशन कर दिया, फ्री खाना कर दिया, मिडिल क्लास के लिए क्या किया? उसको कम से कम फ्री एजुकेशन तो दो, फ्री कंपटीशन दो, कोई रिजर्वेशन ना दो, अपने कंपटीशन से अपने मेरिट से लोग आगे बढ़े। सीनियर सिटीजन्स के लिए उन्होंने कुछ सुविधाएं दी थी, जैसे रेलवे ने दिया था, रोडवेज ने दिया था, जहाँ भी जाते थे एक सम्मान था, वो कोई मुक्त यात्रा का पास नहीं था, वो एक सम्मान था जो पिछली सरकारों ने दिया। अभी तक अब आपको शायद नहीं मिल रहा, अब नहीं मिल रहा है, ये हमारी नहीं अब कर रहा है, पर अभी पूरा नहीं हुआ है, पूरा नहीं, जो पूरी चीज हुई है वही। एक हम और तारीफ करेंगे मोदी जी की, उन्होंने जितने भी चीफ मिनिस्टर थे, जितनी स्टेट में इनको वो मिले हैं, सब बदल दिए उन्होंने, उन्होंने सब नए चीफ मिनिस्टर से वो नया काम करे। तो क्या उम्मीद लग रही है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बदल जाएंगे? नहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो सबसे टॉप पर है, सबसे ज्यादा काम पे करा है, जो उन्होंने कुंभ मेला का काम करा रहे हैं, और जो पहले इतने 10 साल से काम हुआ है इलाहाबाद में, हमने आज तक नहीं देखा। अब बात आ गई मोदी जी से योगी जी तक, तो क्या लग रहा है कि योगी जी आपके फेवरेट हैं? सवाल इसका नहीं है कि कौन हमारा फेवरेट है, सवाल इसका है कि देश को सबसे ज्यादा नुकसान कौन पहुंचा रहा है, उससे बच के रहना होगा। विपक्ष तो सीधा हमलावर को कहता है कि सब कुछ संविधान ही खतरे में है, तो आप तो बहुत सीनियर हैं, सीनियर से इसीलिए उनसे बच के रहना होगा जो देश को बहका रहे हैं। उनमें दो नाम मैं लेना चाहूंगा, एक सबसे मुख्य केजरीवाल जी, दूसरे राहुल गांधी से भी ज्यादा खतरनाक है हमारी ममता बनर्जी। और राहुल गांधी देखिए दो तरीके के, सीधे सीधे बड़े राजनेताओं का आप नाम, बड़े ना सब नेता नहीं, जो राष्ट्र के हित में न करके अपने स्वार्थ के हित में काम कर रहे हैं वो कितने दिन रहने वाले हैं? राष्ट्र तो अमर है, राष्ट्र तो हजारों साल तक रहेगा, ये परिवार वो परिवार कब तक रहेगा? इतनी सोची सोच अच्छी नहीं है, परिवर्तन होना चाहिए। लेकिन उस चुनाव की कुछ यादें भी होगी आपके पास, पहले की चुनाव की कोई ऐसी बात जो आपको याद हो, या किसी बड़े नेता नहीं, कई जगह तो ऐसा हुआ है कि हमारा नाम ही नहीं था, हम वहाँ से वंचित हो गए। कितने साल पहले की बात, ये बता रहे कोई 10 साल पुराने, 10 साल पहले, 8 साल पहले, तो 10 साल पहले की अगर बात करें तो शायद मोदी नहीं थे उस समय, पहले नाम भी नहीं आता, नाम भी नहीं था, उसके बाद से तो पर्ची और नाम सब आ रहा है। अभी पर्ची आई नहीं है यहाँ की, उम्मीद है की आ जाए। गाँव में किसी बड़े नेता की कैंपेनिंग के समय में आपसे किसी से मुलाकात हुई, आपके घर आसपास में आपको मोहल्ले में आया? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं आया, पहले की बात है, पहले की नहीं, पहले आए थे मौर्य जी, आते रहते थे, हर बार कोई ना कोई आता आते थे। परिवर्तन हुआ चुनाव में, ऐसे कुछ भी थे कि पहले नेता जैसे करते थे प्रचार प्रसार उस तरीके से? देखिए नेता का कम्युनिकेशन गैप तो बहुत है, और वो कम्युनिकेशन गैप क्यों है, किस लिए है, ये तो वही जाने। एक और सवाल आता है कि आजकल प्रचार प्रसार में जो है सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है, लगातार पंपलेट ज्यादा ही रहे, फेसबुक पे आ रहा है, ट्विटर पे आ रहा है, इंस्टाग्राम, तो इन सबसे तो आप लोग दूर। जब आपने खुद ही कहा कि जब नेता ही सोशल मीडिया से ही कॉन्टेक्ट पे है, तो वोट क्यों नहीं सोशल कॉन्टेक्ट से किया जाए? तरीका तो ये हम तरीका ये बताते हैं कि जैसे आप बैलेट पेपर है सारे वोटरों के घर भेज दीजिए, हर कैंडिडेट को 1 घंटा टीवी पे दे दीजिए या मोबाइल पे दे दीजिए, जो उसकी पॉलिसी है, जो वो करना चाहता है देश के लिए, कंट्री के लिए, जिले के लिए, वो अपनी स्पीच पे बोले, वोटर उससे तसल्ली से बख्श होगा, उसको वोट अपने आप पास करेगा। उसके लिए दुनिया भर की पलटन और दुनिया भर की रैली और दुनिया भर का पैसे का वेस्टेज, मैन पावर का वेस्टेज, रोड की ब्लॉकेज, सब चीज से निजात। चुनाव से मानते हैं कि देश के बहुत बड़े आर्थिक नुकसान होता ही है, आर्थिक ही। मोदी जी तो वन नेशन वन स्टेट, वन नेशन वन के साथ इलेक्शन भी डिजिटल कर दें, इलेक्शन भी डिजिटल करें, क्योंकि आज इवन गाँव के लोगों के पास भी मोबाइल है, हर मोबाइल से जुड़ा हुआ है, वो वोट डाले, जाके लेटर बॉक्स में अपना वोट डाल दे, लेटर बॉक्स अपने ले जाए, अपना गवर्नमेंट उसको अपना निकाल के ले जाए, वोट काउंट करे, शाम को टीवी पे दिखा दीजिए इतने वोट मिले, इसको मिले, उसको मिले। मित्र हैं सीधे कह रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन का जो है वो भी डिजिटल हो जाए, ये बहुत अच्छा होगा, कि जो इतना पैसा हमारा खर्च हो रहा है बिल्कुल नहीं होगा, ये एक ही साथ सब इलेक्शन
कि विधानसभा का और एमपी का सब एक साथ हो जाए। चार पार्टियां होनी चाहिए। आपके पड़ोसी के हाथ में बैठे हैं मित्र, कह रहे हैं कि एक बार में एक इलेक्शन हो जाए, डिजिटल हो जाए, बहुत ज्यादा खर्चे हैं वो बंद हो जाए। आप किस चैनल से हैं? हम न्यूज स्टेट से, एनडीटीवी नहीं, एनडीटीवी। आपका क्या नाम पड़ता है? ऐसा है कि मेरा मानना यह है कि वन इलेक्शन वन नेशन, लेकिन राष्ट्रपति बनना चाहिए, सांसद की या तो मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वोटर की मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए, नहीं तो ये भीड़ तंत्र है। योग्यता पे चुनाव होना ना, योग्य जो उम्मीदवार जो क्रिमिनल है, इस समय तो सांसद को इतनी पेंशन मिलती है कि लोग माफिया लोग ये सब माफिया छोड़ के सांसद बन जाते हैं, उसमें ज़्यादा आमदनी। तो ये बात का बहुत बड़ा ध्यान रखना है, सांसद को इतनी पेंशन नहीं मिलनी चाहिए, वो गए देश की सेवा के लिए, काम चलाओ काम मिलना चाहिए। बात वन नेशन वन स्टेट की थी, तो यहाँ पे कुछ और सीनियर्स लोग भी हैं जिनसे हम बात करेंगे, और सबसे पहले कहेंगे कि जैसे कहा जा रहा था कि मोदी जी ने कहा कि आने वाले समय में वन नेशन वन इलेक्शन हो, लेकिन विपक्ष कहता है कि संविधान का नहीं, वन नेशन और होना चाहिए। हाँ होना चाहिए, होना चाहिए, इससे लोकतंत्र मजबूत होगा हमारा, ये उठा पटक। हाँ कई दशकों के चुनाव देखे होंगे, बिल्कुल बिल्कुल, कुछ बदलाव दिख रहा है? बहुत बड़ा बदलाव दिख रहा है। हाँ क्या दिख रहा है? हमारा लोकतंत्र विपक्ष भले आलोचना करे लेकिन मजबूत हो रहा है, मजबूत हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। एक तरफ लोकतंत्र मजबूत होने की बात हो रही है, दूसरे तरफ कहता है विपक्ष की संविधान खतरे में, क्या ऐसी सही बात है? मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा। महसूस कर सकते हैं? महसूस हमारी अपनी व्यक्तिगत चीज है। यहाँ पर हैं ऐसे सीनियर सिटीजन, लेकिन अगर हम इन्हीं बीच में कुछ सीनियर्स की और बात करेंगे, तो अगर इस बातों को बीच में हम पहुंचते हैं, तो यहाँ पर जैसे मौजूद है कि आधी आबादी की बात के साथ ही हम आएंगे। माता जी, चुनाव के पुराने अनुभव से लेके अभी तक कुछ बदलाव आपको दिखा? वोटर लिस्ट में आपका नाम दिखा? हाँ रहता है, रहता है, वोट देती है? हाँ बराबर देते हैं, बराबर देते हैं। हमारे पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे, तो हमें तो ज्यादा ही सब में रुचि है। कुछ पहले की सरकारों में और मौजूदा सरकार में कुछ अंतर दिख रहा है? हाँ मोदी जी की सरकार ने बहुत ज्यादा मेहनत की, ज्यादा ईमानदारी है। पहले तो लगातार कह रहे हैं 400 पार, चुनाव नहीं हुआ था उससे पहले ही कहना शुरू कर दिए 400 पार। बिल्कुल, तो क्या बिल्कुल ये सही है, ये कहना सही है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। अपना जो मॉरल है वो ऊंचा रखना चाहिए, बिल्कुल पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग इज अ मस्ट रखना चाहिए, माइंड सेट ऐसा होना चाहिए। अब तो बात हो गई, अब ये सीनियर सिटीजन्स की बात हो गई, और अब सीनियर सिटीजन्स में इतना जज्बा है तो कुछ और लोगों से भी बात कर लेते हैं, और सीधे से बात हम करना चाहेंगे क्योंकि यहाँ पर बहुत से लोग हैं। जैसे लगातार कहा जा रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन, और संविधान विपक्ष कर रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन हो, कुछ खर्चे बचे देश के, विपक्ष कर रहा है संविधान खतरे में, तो क्या आपको भी लग रहा है कि संविधान खतरे में? कतई सबको दिख रहा है, अगर खतरे में होता तो जो हम लोगों को पहले से और अब दिख रहा है वो जागरूकता नए नए युवा लोगों में आ रही है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे आने वाली जो सरकार तब से और अब तक में चेंज लाई है, उस सरकार की बदौलत आया है। तो हम ये नहीं कह सकते कि संविधान बल्कि अब सुरक्षित होने के कगार से ऊपर आ चुका है, तो इस तरह की बात हमारे हिसाब से तो गलत साबित होगी। मोदी जी ये भी कहते हैं कि महिला सुरक्षा को लेकर, महिला को लेकर, बड़ी आधी आबादी को लेकर बड़े बहुत सारी योजनाएं लाए, तो कुछ है आपको लगता है कि हाँ महिलाओं के लिए कुछ किया है? हाँ बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया है। तो आप ये जैसे कहते हैं आधी आबादी क्या उनके साथ है? हाँ आधी क्यों, पूरी है, पूरी है, पूरी ही होनी चाहिए। 400 प्लस का उनका नारा है, बिल्कुल बिल्कुल, अब 400 से ऊपर तो पहुँचेंगे ही। बड़ी बात कर दी आपने, तो यहाँ पर भी और भी लोग हैं। आप भी वोटिंग वोट देते हैं कि नहीं देते?
बात ये हो जाए कि जैसे लगातार कहा जा रहा है कि 400 पार की बात हो रही है, तो लगता है कि 400 पार और हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल होगा। प्रमुख अभियान जो है महिलाओं के लिए बहुत बड़ी योजनाएं ला रहे हैं। हाँ बिल्कुल होगा होगा। विपक्ष लगातार कह रहा है संविधान खतरे में। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। तो विपक्ष का कहना पूरी तरह से गलत है जी। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ सीनियर सिटीजन्स हैं और बहुत से लोग भी हैं और अलग अलग जगहों से भी आकर यहाँ पर एकत्र हुए हैं, और हम आपसे ही अगर बात करना चाहें तो आपने भी इलेक्शन फेस किए होंगे। जहाँ तक कहा जाता है कि मतदान करना लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे याद है पिछले चुनाव में मैं सबसे पहले वोट देने गया था, नंबर फर्स्ट मेरा ही था, तो मुझे वहाँ से सर्टिफिकेट भी मिला था। अभी DM साहब की उनकी DO साहब की मीटिंग में इनको दिखाया, उन्होंने सब बहुत प्रसन्न हुए। और जहाँ तक मोदी जी का सवाल है, सिख मोदी जी के साथ टोटली इस वक्त खड़ा है, सिख समाज जो है पूरा मोदी जी के साथ खड़ा है। अभी हम कानपुर में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी बहुत बड़ी सिख समुदाय की, इसमें लखनऊ से, रायबरेली, उन्नाव और जगह से लोग भी आए थे। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के VC हैं संजू साहब, उनको नॉमिनेट किया है मोदी जी ने राज्यसभा में। आप एक तरफ कह रहे हैं कि सिख समुदाय उनके साथ है, लेकिन पंजाब में सरकार किसी और की बन गई। हम पंजाब में तो रहते नहीं, हम तो UP में पैदा हुए, यही रह रहे हैं और इसी अंसल में 30 साल से हैं। तो अंसल वाले मेरे ख्याल से 99% तो मोदी जी का प्रतिशत लगातार गिर रहा है। हाँ उसके बारे में DM साहब और भी उनके यहाँ मीटिंग हुई थी, और हम लोग सिविल लाइन पार मंडल ने वहाँ पर एक सुभाष चौराहे पे काफ़ी गैदरिंग स्कूलों की इकट्ठी की थी। ये चिंता का विषय है, अफसर लोग भी घबराए हुए हैं कि प्रतिशत क्यों गिर रहा है, और उनको जवाब देना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। उसी सिलसिले में हम लोगों ने सुभाष चौराहे से अगल बगल सारी 30-40-50 स्कूलों को बुला के वहाँ पर प्रदर्शन किया था, उनको समझाया था, उसके लिए प्रचार किया था। DM साहब भी थे, इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल भी थे, उनको भी इन्वॉल्व किया गया था, वो भी थे। ये करीब 15-20 दिन, एक महीने पहले की बात है। अपने तो लोगों को जागरूक करेंगे मतदान के लिए? हाँ जी, क्यों नहीं करेंगे, हमारा परिवार पूरा लगातार कह रहा है कि संविधान खतरे में। विपक्ष हमेशा विपक्ष में ही रहा है, आगे भी विपक्ष में ही रहेगा, क्योंकि मोदी जी कैसी करनी है या उनकी किस्मत कही है या उनका लेक्चर का ढंग जो है वो आदमी तुरंत जो है वो बोल हो जाता है। तो यहाँ पर मौजूद बहुत सीनियर सिटीजन्स भी हैं, कुछ युवा भी हैं, और सबका यही कहना है कि आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मोदी जी के आने से गुरु गोविंद सिंह के 4 साहिबजादे जो कि शहीद हुए थे, दीवालों में चढ़ाए गए थे, जंग में मारे गए थे, उनका कोई सुनवाई नहीं थी, कोई जानता भी नहीं था, किसी स्कूल में पढ़ाया भी नहीं गया। मैं भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से MA हूँ हिस्ट्री का, लेकिन मुझे भी नहीं पता था। तो इस चीज़ को योगी जी ने, मोदी जी ने बहुत सीरियसली लिया है, और 26 दिसंबर हर साल बाल दिवस के रूप में वो मनाया जा रहा है, जो कि चिल्ड्रन डे मनाया जाता है। तो बड़ी चीजें रही कि सरकार ही नहीं होती है, भारतीय संस्कृति की रक्षा है, लोकतंत्र का रक्षा है, बड़े बड़े अभियान है, लेकिन इससे सबसे बड़ी बात जो सीनियर सिटीजन से निकल के आई कि संविधान जो है, अब जब सब कुछ आधुनिक हो रहा है, 1 नेशन 1 स्टेट की बात हो रही है, तो वोटिंग सिस्टम भी डिजिटल होना चाहिए, कुछ सुधार होने चाहिए, ऐसे कुछ बहुत सी बातें सामने आई। फिलहाल अभी चर्चा आगे भी जारी रहेगी। प्रयागराज से शिवपूजन सिंह, NBT ऑनलाइन, उत्तर प्रदेश।